थोड़ी दम्बागुड़ सुपर लीग की, जिसका कल बड़ा शानदार फाइनल मैच खेला जा रहा है। अयान स्पोर्ट्स और जतोई फाइटर की टीम इससे पहले रनर अप रही है 2017-2018 के DSL में। एक बार फिर से मौका मिला पाया जतोई की कप्तानी में, टीम ने आगे बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। पूरे DSL के हवाले से, कल के पूरे फाइनल के हवाले से हम बात करते हैं यहाँ पे DSL के चेयरमैन और MCD के जनरल सेक्रेटरी अकील पालारी से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, आइए कुछ उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अकील भाई, क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां हो रही हैं? कल बड़ा मेगा फाइनल मैच है और आपकी बड़ी काबिश है कि स्पोर्ट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कितने शायकीन क्रिकेट आएंगे और इसके ऑल ओवर आप क्या कहना चाहेंगे कल के DSL के फाइनल के हवाले से? भाई तो बिल्कुल DSL की तैयारी है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा फाइनल होगा और मलिक टेबल क्रिकेट का बहुत बड़ा फाइनल होगा। हमेशा की तरह जिला इलेक्शन नाइन था, इसका फाइनल मुकम्मल तैयार है, इस पर कदम जिला हो चुकी है। बस इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल अल्लाह ताला खैर से फाइनल मेहमानों की आएंगे, इंशाल्लाह आते भी बड़ा फाइनल। अच्छा, आप क्या कहेंगे कल कौन सी टीम है जो जीतने के चांसेस मौजूद है, क्योंकि पिछली दफा जतोई फाइटर की टीम जो रनर अप रही है, इस दफा क्या उनका पलड़ा भारी रह सकता है? जतोई फाइटर बिल्कुल नजर आए, तो वैसे चांसेस दोनों टीम में कर लिए, 50-50 चांसेस दोनों टीम में, कोई भी टीम जीत सकती है। तो जतोई फाइटर जिस तरीके से लय में खेल रही है, तो मैं समझता हूँ तो जतोई फाइटर के चांसेस बिल्कुल ज्यादा नजर आ रहे हैं। मतलब अयान स्पोर्ट्स की भी परफॉर्मेंस जो सेमीफाइनल में देखी गई हो, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं भोपाल पाकिस्तान खेलते हैं, तो माशाला उसकी परफॉर्मेंस को भी जो लोग रखते हैं, इतना आसान नहीं होगा जतोई फाइटर के लिए ये फाइनल जीतना, क्योंकि जतोई फाइटर लास्ट फाइनल हारी, मतलब दोबारा हम फाइनल पे वो जरूर कोशिश करेगी कि वो फाइनल जीते। तो हम ऐसे कमेटी मेंबर के साथ दोनों टीमों को जो वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे फाइनल की तवक्को है कि फाइनल अच्छा हो, जीते जो भी क्रिकेट जीतोगी DSL की जीतोगी और क्रिकेट की। और कल और इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले ये कैंडी में खेला जा रहा था मैच, अभी इसको शिफ्ट किया गया है पाले केले में, जो सुनने में आ रहा है, क्या कहेंगे? हाई वोल्टेज मैच है, काफी समय के बाद ये मैचेस हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, आपका दिमाग क्या कह रहा है कि कौन कल भारी रहेगा? कल लगा था पहले तो बरसात की वजह से कोई ठीक है, अगर वेन्यू चेंज किया जा रहा है मुझे इसका एलम नहीं है, हम अपने फाइनल की तैयारी में थे। फिलहाल हमने फाइनल के हवाले से इसमें सिस्टम किया हुआ है कि लाइव जो इंशाल्लाह ताला वहां पर स्क्रीन लगा के ये भी फाइनल हम दिखाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश है अगर फाइनल होता है ताकि शायद टीम को डबल मजा आए, DSL का फाइनल भी होगा सामने और वहां पर स्क्रीन पर इंशाल्लाह का मैच भी चल रहा होगा, ये दोनों मजे एक साथ हम दिखाने की कोशिश में है। अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि इस वक्त हालात के हिसाब से जो महंगाई पाकिस्तान की आवाम को जो है वो वाइज किया हुआ है, तो हमें एक एंटरटेनमेंट के जरिए आवाम को खुशी देने के बिल्कुल कोशिश में है कि अल्लाह ताला कहते हैं जो विचार करते हैं वो मुश्किल नमाज हो और अगर पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो अल्लाह तला वो जीते, क्योंकि इस वक्त खुशी की जरूरत है और वाइज यही खुशी होती है कि हमारा पाकिस्तान इंडिया से जब जीतता है तो लोग बड़े खुश होते हैं। तो मेरा उम्मीद कर सकते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान नंबर वन टीम बन चुका है, उम्मीद है पाकिस्तान कल बहुत शुक्रिया अकील भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये अकील हमारे साथ मौजूद है, MCD के जनरल सेक्रेटरी, और इसके साथ साथ अगर अकील की बात की जाए तो क्रिकेट के हवाले से बड़ी ही कुर्बानियां हैं, पूरे मलिर के अंदर एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, हर किसी के दुख और सुख में शामिल होते हैं, क्रिकेट के लिए इनकी बहुत बड़ी एफर्ट है। और जरूर यहाँ पे DSL के हवाले से जैसे अकील ने कहा कि कल इंशाल्लाह हो सकता है कि हम जो वो LCD का भी इंतजाम करें, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी शायकीन क्रिकेट को दिखाया जाए और वहां पे DSL का फाइनल भी हो, तो यानी कि दोनों मजे यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान की अवाम महंगाई के जो नासूर, जो महंगाई का नासूर जिसको कहते हैं, जिसमें वो फंस चुकी है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। तो बहुत सारे क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन वाहिर एक क्रिकेट है जिससे पाकिस्तान को जो वो पाकिस्तान के लोगों को खुशी मिल सकती है। तो कल हमारी दुआ है कि पाकिस्तान मैच जीते और हम बहुत ही बढ़िया खेले, फखर जमान भी बैक इन द फॉर्म आए, इमामुल हक भी अच्छा खेले, और खासतौर पर जो पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड जो बॉलर होंगे वो शादाब खान होंगे, जो ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है शादाब खान की, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। तो कल हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीते। आप लोगों से देते इजाजत, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा अपने